हेलो एवरीवन, आई ताना गुप्ता वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ग्लो सीरम लेके आई हूँ, जिसको आप इस्तेमाल करें तो आपका मेकअप केकी नहीं होगा, आपके मेकअप में एक शाइन आएगी, एक ग्लो आएगी। और जैसे आप देखते हैं ना इंस्टा और फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस जिसमें मेकअप बहुत शाइनी होता है और ग्लॉसी लुक देता है, ट्रेंडी फैशन और सिर्फ ग्लॉसी मेकअप का है ना, तो बहुत वाइटिश मेकअप का और ना बहुत अलग से मेकअप का। और जो नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मेकअप बहुत केकी से कर देते हैं आफ्टर सम टाइम। और विंटर का सीज़न है तो हमें चाहिए कि हमारे चेहरे पे एक बहुत अच्छी चमक हो जो हमारे साथ साथ दूसरों के फेस को भी ब्राइट करे। तो हमें इस वीडियो के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्ट ऑलिव ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल को थोड़ा कंडेंस करके मैंने इसको गुण दिए हैं, आप कह सकते हैं रोज़ के, मैंने इसको रोज़ एसेंशियल ऑयल बनाया घर पर ही। ऑलिव ऑयल के अंदर अगर आप गुलाब की पत्तियों को स्टोर करके रख दें 2 दिन तक के लिए, तो ये एसेंस ऑयल बन जाएगा जो आपके फेस को गुलाब का अर्क भी ऑयल में आ जाएगा, और उससे आपकी बॉडी को भी अच्छे से इफेक्ट पड़ेंगे, जिससे आपकी बॉडी में और अच्छे से आएंगे। एंड दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें विटामिन ई कैप्सूल्स। ये मैंने फेशियल ऑयल के कैप्सूल्स लिए हैं, मैं इसके 2 कैप्सूल्स डाल दूंगी इसके अंदर। नाउ पोर विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल फेस को बहुत अच्छे से ग्लो देता है, फेस के लिए बहुत इफेक्टिव और शाइनी होता है। और आप इस ऑयल को अगर मसाज भी करेंगे अपने फेस पे तो आपके फेस में नेचुरली बहुत अच्छे से ग्लो आएगा, जो आपको विंटर में ड्राइनेस हो जाती है वो भी ड्राइनेस नहीं होगी और बहुत अच्छे से देगी। देन वी हैव टू मिक्स इट वेल। नाउ वी ऐड सम शिमर। आप कोई भी आई शेड निकाल सकते हैं, आपके पास कोई भी ग्लो के लिए पड़ा हो आप वो शिमर डाल सकते हैं। मैंने गोल्डन शेड लिया अपने किट में से, देख सकते हैं आप ये पैलेट, इसमें से आप कोई भी शेड डाल दीजिए, मैंने गोल्डन में डाला है। 2-3 कलर का फायदा होता है कि अगर आप डालें तो करके उसका उसको मिक्स और कर दें तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से ग्लो मिलेगा। देखें अब हम इसका प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे शाइन देगा। मैंने पो किया और मैंने इसको 2 ड्रॉप्स में ही बहुत ज़्यादा शाइनी इफेक्ट होने लगेगा, और आपको इसको रब करना है जब तक अब्जॉर्ब करने के लिए। ये मेरी ओलिविया की स्टिक है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको लगाती हूँ एज अ मेकअप बेस, और अब इसको रब करती हूँ। अब देखिए इसका ग्लॉस कैसा आता है, ध्यान से देखिए आप कि आपको आपको दिखेगा शाइन भी है और बहुत नेचुरल लुक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी फिट मी फाउंडेशन, जो बहुत ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है, नॉर्मल जो ऑयली स्किन टोन के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने मेकअप के लिए। आप देख सकते हैं क्या शाइन आ रही है मेरे फिंगर्स पर भी। 1 ड्रॉप लिया प्रोडक्ट का और अब मैं इसको रब करती हूँ। इसको आपको अच्छे से पूरे में देख सकते हैं आप मेरे हैंड को, ये मैंने इसको करा है कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगी कितनी मैट फिनिश है, बहुत मैट फिनिश है, और मैट के साथ ही ग्लॉस और शिमर आ रहा है। इसके साथ अगर आप देखें और कंपेयर करें तो देख सकते हैं आप हाथ में कितना अंतर आ चुका है, और ना तो इसमें आर्टिफिशियल लुक है और बहुत नेचुरल लुक देगा बिकॉज में बहुत शिमर है। अगर आपको इसके लगाना है तो आप खाली कॉम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको मेबेलिन न्यूयॉर्क मैट शिमर में जो है फिनिश पे ये भी करके दिखा देती हूँ कि अगर आपको और मैट लुक चाहिए तो आप कैसे ला सकते हो और मैट लुक, जिससे ड्राइनेस ना हो ना पैच पड़े और आपकी स्किन हो बहुत बहुत अच्छे से फैबुलस। तो देख सकते हैं आप ये मेरा मेकअप, जिससे आपकी नेचुरल लुक है, मैट फिनिश है, और मेकअप बिल्कुल केकी नहीं होगा अप टू 8 आवर्स। जो ब्यूटिशियन यूज़ करते हैं मेकअप वो मेनली यही करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से फिनिश मिले, बहुत आर्टिफिशियल पैची लुक। तो ये थी हमारी, बोल सकते हैं जादुई प्रोडक्ट विच हैज शिमर विच हैज शाइन, इज अ बेस्ट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं इसको, बहुत नेचुरल शाइन लुक है अगर आप अगेन देखें तो। तो इफ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो लाइक और हिट अ लाइक बटन, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें क्योंकि आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड जैसे आप मुझे प्यार करते हैं वैसे ही और प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।